अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पोप फ्रांसिस की कनाडा के दौरे के दौरान क्यूबेक आमद, तारीखी खिताब में पोप ने एक बार फिर मुआफ़ी मांगी। कनेडियन वजीर आजम का कहना था कि मुकामी लोगों के साथ जो कुछ हुआ उस पर मासरत हुआ है। कनाडा में मुमताज सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ाम में दो अफराद गिरफ्तार, दोनों मुलजिमान की किसी गेम से वाबस्तगी साबित नहीं हुई। मुकामी सिख तंजीमों ने रिपुदमन के कत्ल का इल्ज़ाम भारतीय खुफिया इदारों पर लगाया है। सिख बरदरी के मुमताज रहनुमा रिपुदमन सिंह के कत्ल के इल्ज़ाम में दो अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अमरीकी सिया फार्म शहरी जॉर्ज फ्लाइट के कत्ल में मुलव्वस दो पुलिस अहलकारों को सजा, पुलिस अहलकारों को 3.5 और 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। मरकजी मुलजिम को 22.5 बरस कैद की सजा दी गई थी। रूस ने अमेरिका का बड़ा नुकसान कर दिया, रूसी वजारत दिफा का बयान। यूक्रेन के सदर की ओडेसा शहर पर की गई गोलाबारी की मजम्मत, अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है कि हमला रूस की साख पर संगीन शकूक पैदा करता है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. Greenish hand sanitizer, na oily, na sticky, na badboo aur mukammal absorption. Aur haath narm, mulayim aur saaf. Aaj hi apni kareebi pharmacy se khareedein ya hamari website par order kare. www.greenish.com. Headlines aapne jaani aur ab khabrein tafseel ke saath. पोप फ्रांसिस कनाडा के दौरे के दौरान क्यूबेक शहर पहुंच गए। कनाडा के हफ्ते भर के सफर के हिस्से के तौर पर वो जुम्मे तक क्यूबेक सिटी के इलाके में रहेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पोप फ्रांसिस कनाडा के दौरे के दौरान क्यूबेक शहर पहुंच गए। कनाडा के हफ्ते भर के सफर के हिस्से के तौर पर वो जुमे तक क्यूबेक सिटी के इलाके में रहेंगे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और गवर्नर जनरल मैरी साइमन ने पोप फ्रांसिस का रेड कारपेट पर शानदार इस्तकबाल किया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा 29 जुलाई को दौरा मुकम्मल करके रोम वापस पहुँचेंगे, जहाँ वो मौसमियाती तब्दीली और उनके असरात के हवाले से बातचीत करेंगे। इब्राहिम के मैदानों में जमा होने वाले हजूम ने खुशी का इजहार किया जब उन्होंने बड़ी स्क्रीनें देखी जिसमें पॉप को सफेद प्लॉट की अगली मुसाफिर निश्चित से बाहर निकलते हुए दिखाया गया था। पॉप फ्रांसिस ने अफसोसनाक रिहायशी स्कूलों के निजाम में कैथोलिक इदारों के किरदार पर शर्म और अफसोस का इजहार किया और वादा किया कि चर्च उन मकामी सकाफतों को फरोग देने में मदद करेगा जिन्हें स्कूल मिटाने की कोशिश करते हैं। क्यूबेक सिटी के तारीखी सिटाडियल में खिताब करते हुए फ्रांसिस ने स्कूलों में इंजमाम की पॉलिसियों से होने वाले नुकसान के लिए माफ़ी मांगी। ये कनाडा की सरजमीन पर पॉप की दूसरी माफ़ी है जो 6 रोज दौरे के वस्त में है, जिसे उन्होंने दुआया दौरे के तौर पर बयान किया है। फ्रांसिस ने कहा कि इस अफसोसनाक निज़ाम में जिसे इस वक्त के सरकारी हुकाम ने फरोग दिया, जिसने बहुत से बच्चों को उनके खानदानों से अलग कर दिया, मुख्तलिफ मकामी कैथोलिक इदारों का हिस्सा था। इस मौके पर कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मकामी लोग बरसों से पॉप से मुतालबा कर रहे हैं कि वो जिंदा बच जाने वालों, उनके बच्चों और पोते पोतियों और फर्स्ट नेशन कम्युनिटी से माफी मांगे। ट्रूडो ने कहा कि इस किरदार के लिए माजरत खां हूँ जो रोमन कैथोलिक चर्च ने बतौर इदारा रूहानी, सकाफती, जज्बाती, जिस्मानी और जिनसी इस्तेहसान में अदा किया, जो चर्च के जेर इंतजाम रिहायशी स्कूलों में मकामी बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ा। ऑन्टेरियो में मंगल के रोज ट्रेन की जद में आने वाली बच्ची की हलाकत के बाद ट्रेन की पटरियों के करीब बाड़ लगा दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मिसिसागा ओंटारियो में मंगल के रोज ट्रेन की जद में आने वाली बच्ची की हलाकत के बाद ट्रेन की पटरियों के करीब फायर लगाई गई है। मिसिसागा फायर ने पहले तस्दीक की कि एक बच्चा गुजरती हुई ट्रेन से टकरा गया था। बच्चा जिसकी उम्र 4 साल बताई जाती है को रात 9 बजे से पहले जाए वकवा पर मुर्दा करार दे दिया गया। कैनेडा की ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने तस्दीक की है कि उन्होंने मकामी पुलिस और सूबाई तहकीकात के अलावा हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। मेट्रोलिंक्स के तर्जुमान जो कि गो ट्रेन सर्विस चलाता है ने एक बयान में कहा कि जब बच्चा टकराया तो ट्रेन में तकरीबन 300 मुसाफिर सवार थे। उनका कहना था कि मेट्रोलिंक्स इस वाकये की तहकीकात में मदद कर रहा है। इसमें रेल लाइनों के इर्द गिर्द के तहफ्फुज़ात से मुतालिक सवालात शामिल हैं। रेल की हिफाजत के बहुत से पहलू हैं और तफ्तीशकार तमाम अवामिल को देखेंगे। हिफाजत हमेशा हमारी अव्वलीन तरजीह होती है। एनी शाहिद जो करीबी गैराज के मालिक हैं ने बताया कि वो वाकये के वह काम कर रहा था जब उसने ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनी और उसके बाद रेलवे ब्रेक की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। उनका कहना था कि जब मैं अपने गैराज से बाहर आया तो मैंने देखा कि ट्रेन रुकी हुई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इलाके के रहायशियों का कहना है कि ट्रेन की पटरियों को पार करने में रुकावटों की कमी एक अहम मसला है और ये कि लोगों को दूसरी तरफ जाने के लिए पटरियों को अबूर करते हुए देखना कोई मामूल बात नहीं है। इस मकसद के लिए अमले को पटरियों के करीब एक ऐसे इलाके में बाड़ लगाते हुए देखा गया जो बगैर किसी रुकावट के दिखाई दे रहा था। शहर की मेयर बॉयन क्रॉम्बी का कहना था कि एक बच्चे का खो जाना एक सानहे से कम नहीं और मेरा दिल उनके अहले खाना और प्यारों के साथ है क्योंकि वो इस नाकाबले बयान और नाकाबले तलाफी नुकसान पर गमजदा हैं। जबकि मिसिसागा सिटी हॉल में झंडों को सरंगू कर दिया गया है। सिख ब्रादरी के मुमताज रहनुमा रिपुदमंत सिंह के कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिख बरादरी के मुमताज रहनुमा रिपुदमंत सिंह मलिक के कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 जुलाई को सिख बरादरी के रहनुमा रिपुदमंत सिंह मलिक को ब्रिटिश कोलंबिया सूबे के सिरे कस्बे में कत्ल कर दिया गया था। उन पर भारतीय हुकूमत का इल्जाम था कि वो सिखों की फलाह बहबूद की आड़ में खालिस्तान तहरीक के लिए फंड्स इकट्ठा करते थे। कैनेडियन पुलिस की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बयान में कहा है कि सिख बरादरी के रहनुमा रिपुदमंत सिंह मलिक के कत्ल के सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार होने वाले दोनों अफराद की शनाख्त 21 साल टैनर फॉक्स और 23 साल जॉस लॉपिस के नाम से की है। पुलिस के मुताबिक दोनों का मुजरिमाना रिकॉर्ड है लेकिन किसी गैंग से वाबस्तगी अब तक साबित न हो सकी है। मकामी सिख तंजीमों ने रिपुदमंत के कत्ल का इल्जाम भारतीय खुफिया इदारों पर लगाया है। वाजह है कि जून 1985 में एयर इंडिया की परवाज में धमाका हुआ था जिसमें 329 अफराद हलाक हो गए थे जिसका इल्जाम सिखों के आजादी पसंद धड़ों पर लगाया जाता था। रिपुदमंत सिंह मलिक को वाकये में मुलविस होने पर मुकदमे का सामना करना पड़ा जिससे उन्हें 2005 में बरियत मिली। सियाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुलविस 2 पुलिस अहलकारों को 3.5 और 3 साल की सजा सुना दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। सियाह फाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल में मुलविस 2 पुलिस अहलकारों को 3.5 और 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। पुलिस अहलकार तोथाव और अलेक्जेंडर कोइंग पर इल्जाम है कि जब उनका साथी पुलिस अहलकार मरकजी मुलजिम डेरिक शावन सियाह फाम शहरी की गर्दन पर घुटना रख कर बैठा हुआ था तो उन अहलकारों ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। तीसरे अहलकार थॉमसन लैन को पिछले जुमेरात के रोज 2.5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। रवां साल फरवरी में तीनों अहलकारों को अदालत ने जॉर्ज फ्लॉयड को बुनियादी शहरी हकूक से महरूम करने और साथी अहलकार को कत्ल से ना रोकने का मुजरिम करार दिया था। वाजह है कि मरकजी मुलजिम डेरिक शावन को मुख्तलिफ इल्जामात के तहत 22.5 बरस कैद की सजा दी गई थी। 25 मई 2020 को मीना पुलिस के एक स्टोर मालिक ने पुलिस को फोन करके इत्तला दी थी कि एक सियाह फाम शहरी ने सिगरेट खरीदने के एवज $20 का जाली नोट दिया है। 4 पुलिस अहलकारों ने फ्लाइट को हिरासत में लेने की कोशिश की और इस दौरान एक अहलकार फ्लाइट की गर्दन पर घुटना रखकर 9 मिनट तक बैठा रहा जिससे उसकी मौत वाकई हो गई थी। वाकई के बाद पूरे अमरीका में सियाह फाम तंजीमों और शहरियों की तरफ से भरपूर एहतजाजी मुजाहरे किए गए थे। रूसी फौज ने यूक्रेन के साहिली शहर पर हमला किया है जिसके नतीजे में यूक्रेनी फौजी बेड़ा और अमरीकी जदीद हथियारों के गोदाम तबाह हो गए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रूसी फौज ने यूक्रेन के साहिली शहर पर हमला किया है जिसके नतीजे में यूक्रेनी फौजी बेड़ा और अमरीकी जदीद हथियारों का गोदाम तबाह हो गए हैं। रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि उसकी फौज ने ओडिशा शहर में यूक्रेन की फौज के एक बेड़े और जदीद तरीन हथियारों
और हार्पोन मिसाइल से भरे अमरीकी हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया गया है। रूस की वजारत दिफा का मजीद कहना था कि ओडिशा शहर में एक ऐसे कारखाने को भी तबाह कर दिया गया है जिसमें जंगी बहरी बेड़ों और जहाजों की मरम्मत और तामीर की जाती थी। दूसरी जानब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ओडिशा शहर पर की गई गोलाबारी की मज़म्मत करते हुए कहा है कि तुर्की और अक़वामे मुत्तहिदा की सालसी में होने वाले मुहायदे पर अमल दरामद करने के लिए रूस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का रद्द अमल भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मुहायदे के बाद ओडिशा पर हमला रूस की साख पर संगीन शकूक पैदा करता है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि मुहायदे पर मुकम्मल अमल दरामद नागुजीर है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।